प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY समाज के कमजोर वर्ग के लोग, कम आय वर्गीय लोग, शहरी गरीबों और ग्रामीण गरीबों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ये योजना किसानों को खेती और संबंध गतिविधियों और उनकी घरेलू जरूरतों के संबंधित विभिन्न प्रकार की खरीद के लिए पूरक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के लाभ और इसके लिए आवेदन कैसे करें, ये जानने के लिए ये वीडियो के अंत तक बने रहे। हेलो और स्वागत है, मैं क्लियर से प्रार्थना हूँ। हमने 80,000 से अधिक टैक्स एक्सपर्ट्स और 6 मिलियन रिटर्न दाखिल करने वालों की सहायता की है। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर ले और फिनेंशियल रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। देश के किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। इस योजना को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक वर्ष देश के किसानों के बैंक खाते में 6,000 रुपए जमा किए जाएंगे। सरकार के कृषि कल्याण विभाग ने 2021 के बजट बैठक में लगभग 1.31 अरब रुपए के राशि जारी की। इस साल का बजट पिछले साल के कृषि बजट से करीब 5.63% ज्यादा है। जिन किसान परिवार के पास भूमि है, उन सभी किसानों के परिवार वाले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के दिशा निर्देशों के तहत एक भूमि धारक किसान परिवार की परिभाषा के पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जिनके पास संबंधित राज्य या केंद्र शासन प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार खेती योग्य भूमि है। लाभार्थियों की पहचान के लिए मौजूदा भूमि मालिकपन बताने वाली प्रणाली का उपयोग किया जाता है। क्या ये स्पष्टीकरण आपको समझ में आया? अगर ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में स्पष्ट यानी क्लियर लिखें। अंडर द पीएम किसान स्कीम ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज शैल बी प्रोवाइडेड विथ द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ ₹6,000 per annum per family payable in 3 equal installments of ₹2,000 each and every 4 months. PM Kisan sabhi bhumi dharak kisan parivaron ko prati parivar ₹6,000 prati varsh ka vittiya labh pradan kiya jayega, jo har 4 mahine mein ₹2,000 ki 3 saman kiston mein diya jayega। ₹2,000 की पहली किस्त का भुगतान अप्रैल से जुलाई के बीच किया जाता है। इतनी ही राशि की दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच की जाती है और आखिरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच चुकाई जाती है। राजस्व अधिकारियों, ग्राम पटवारियों या अन्य नामित अधिकारियों या एजेंसी के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं। फीस के भुगतान पर योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपने नज़दीकी CSCs पर जाएं। किसान कॉर्नर के माध्यम से PM किसान पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण करें। आधार कार्ड, नागरिकता का सबूत, भूमि के मालिकी को दर्शाने वाले दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास कुछ भी प्रश्न है देन नीचे कमेंट बॉक्स में उनको जरूर व्यक्त कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाए। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।